अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे और फिल्म की बहुत सारी कास्ट यहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग आने हैं और बहुत जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बात करेंगे, फिल्म के हवाले से पूछेंगे और इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अभी हम तमाम लोगों से आपकी बात कराते हैं। कराची शहर की तारीख जब लिखी जाएगी ना तो दो दफा लिखी जाएगी, एक चौधरी से पहले और एक चौधरी के बाद। तुझे भेजा डिपार्टमेंट ने मेरी मदद के लिए, क्या देखा उन्होंने तुझमें? वफादारी और जिगरा। ये शहर जो अभी गुनगुना रहा है कभी सिर्फ मातम किया करता था, सिर्फ मातम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सवाल उठाता है कि कौन मर रहा है और कौन मार रहा है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मारने वाले कौन है और मरने वाले कौन है। कल्लू देखते ही देखते पूरे शहर का डॉन बन गया और इसकी सबसे ज्यादा तशवीश थी पूरे शहर। कल्लू को बड़ा ईद का बड़ा मुबारकबाद देने का टाइम आ गया है। एक घंटे में मुझे शहर खुला चाहिए, ये शहर किसी के पाप का नहीं है। तुम पुलिस और गैंगस्टर दोनों से पंगा ले रहे हो। अगर कल्लू और भूरे की गोली से बच गए ना तो चौधरी की गोली से जरूर मारे जाओ। कल्लू इलेक्शन जीत के आ गया तो इस शहर को तबाही से कोई नहीं रोक सकता, और अगर भूरे को खुला छोड़ दिया ना सर तो इस शहर के अंदर तो ये मौत दंदनाती फिर रही है, ये नाचना शुरू कर देगी। बहुत हो गया मंजोटी, हमको शहर से चीखों का आवाज आना चाहिए। जब बम फटा था तब चने भून रहा था तुम्हें? तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, पहाड़ों से उतर कर नीचे आओ फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। अरे साले कब मरेगा तू? कफन दिल में अगन, माथे पे उभरी है शिकन, निकला करने वो शिकन, निकला करने वो शिकन। आपने सिर्फ चौधरी असलम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। कल्लू गैंगवॉर में जो लोग मारे गए थे उनमें से एक की बीवी ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मेरा ईमान है कि आज भी वही एक शख्स पूरे शहर में अमन ला सकता है। क्या खबर है शहर की? पूरे ने शहर मंजोटी के हाथ में दे दिया। अबे वो अमरीकी साहब ही था ना जो कत्ल हो गया था, क्या नाम था उसका? डैनियल पर्ल। उसके कातिलों को पकड़ने का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था चौधरी ने। यार जोया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अनजाने में मैं उन लोगों की आवाज बन गया हूँ जो चौधरी के खिलाफ थे। इस ऑपरेशन को चौधरी असलम हेड करेंगे, उनके खिलाफ जो भी FIR थी वो खत्म हो चुकी है। चौधरी की तारीख जब लिखी जाएगी तो वो भी दो दफा लिखी जाएगी, एक चौधरी बनने से पहले और एक चौधरी बनने के बाद। आप क्या समझ रही हैं कि जी आज की जो ऑडियंस है, आज की जो नौजवान नस्ल है, वो इस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं? सर ये तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, मैं ऐसी मूवी बनाना चाहती हूँ, थोड़ा ट्रेंड चेंज करना चाहती हूँ, मेरा फ्लेवर ये है। और मेरे ख्याल से मूवी देखने के बाद तो लोग जाते हैं एक वो कहते हैं आर्मी में जाएंगे तो पुलिस में भी जाएंगे। फिल्म की रिलीज डेट आपने दे दी है 27 मई, और 27 मई तक आप क्या समझती हैं कि इस फिल्म की भरपूर आप प्रमोशन करेंगी ताकि सिनेमा तक लोग आए, शायकीन आए, आप किस तरह इसकी प्रमोशन करेंगी? सर चौधरी बनते हुए सर 3 साल हो गए हैं और अभी तक माशाल्लाह जैसे पहले बार अनाउंस किया था, लगता है कि आज भी वही खड़ी हूँ कि पहली बार अनाउंस किया था, लोगों पर खबरें चल रही हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे प्रमोशन करने की, पर लोगों को जो है वो चौधरी से बड़ी मोहब्बत थी तो लोग आएंगे। इस फिल्म में आपने जो मेन हीरो का किरदार है वो एक टिपिकल, जैसे फ़र्ज करें कि जो हुमायूं सईद शान या फहद मुस्तफ़ा से हट के आपने ये एज ए हीरो उनका करेक्टर लिया है, तो आप क्या समझती हैं कि उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे? सर एक्सेप्ट करने का तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगा था कि एक पुलिस वाले का जो किरदार है वो पुलिस वाला अच्छा निभा पाएगा, और मुझे ऐसा लगा था कि किसी एक्टर को लेकर चौधरी साहब को लोग हजम नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महनूर, टेलीविज़न इंडस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम है, आजकल बेहद काम कर रही हैं, आज मौजूद हैं ये ट्रेलर लाउंज में चौधरी के, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि जी अभी आपने चौधरी फिल्म का ट्रेलर देखा और आपको क्या लगा उस ट्रेलर को देख के, कि क्या
ये कमर्शियली बुनियादों पे बनाया गया है या ये ट्रेलर देख के आपको अंदाज़ा हुआ कि ये फिल्मी अंदाज का है? ये बिल्कुल है फिल्मी अंदाज का। इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी भी प्रीमियर पर जाती हूँ तो मुझे बहुत देखकर खुशी महसूस होती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने कम बैक किया है। और इन्हीं से क्योंकि मैं खुद भी टीवी पे काम कर रही हूँ, वो एक्टर्स हैं जिनको देख कर मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो आई होप कि बहुत अच्छी जाए मूवी। वैसे तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसमें कवाली है, टीपू भाई फेवरेट एक्टर है मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीवी और फिल्म का एक बड़ा नाम जुनैद अख्तर, उनसे हम इस फिल्म के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए, अभी आपने ट्रेलर देखा फिल्म चौधरी का, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा ट्रेलर है और मैं समझता हूँ ये मूवी जो है कुछ बहुत खास करेगी इंशाल्लाह। और जो ट्रेलर है जिस हिसाब से इतनी मेहनत हुई भी है तो अमेजिंग ट्रेलर, अमेजिंग, और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है उसमें। तो अब ये है कि अभी मूवी कब रिलीज़ होगी वो तो ये था, मैंने जाके नेहा से पूछा कि नहीं मूवी रिलीज़ कब कर रहे हैं हम, इससे कहा बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। आई थिंक ये 27 मई को ये रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप जाएंगे ये फिल्म देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी जाऊँगा, बिल्कुल लाजमी। जुनैद ये बताइए कि जी आपने कई फिल्मों में काम किया और मज़ीद फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी फिल्मों का रिवाइवल अब मुमकिन होगा? जो गो के 10-12 साल बहुत बुरे गुजारे हैं इस इंडस्ट्री ने, आपको क्या लगता है कि फिल्म का रिवाइवल होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होने जा रहा है, और जिस तरह के कॉन्टेंट बन रहे हैं, जिस तरह लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह लोग मेहनत कर रहे हैं, यकीनन वो कहते हैं ना कि फर्ज कायम रखते मिलना सेहत है ना कुछ नहीं, मौज दरिया में तो फिर बैरिंग दरिया कुछ नहीं, तो वही एक हकीकत है। तो यकीनन ऐसा ही है कि जब इंसान मेहनत करता है तो वो नज़र आता है, और जो कॉन्टेंट बेस्ड काम है वो डेफिनेटली। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म और टेलीविज़न का एक बड़ा नाम नवाल सईद, हम उनसे पूछते हैं इस फिल्म के बारे में, यानी चौधरी फिल्म के ट्रेलर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, अभी आपने ट्रेलर देखा चौधरी फिल्म का, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मोस्टली जिस टॉपिक पे फिल्म्स बनती हैं उससे बहुत डिफरेंट लगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी देखें। और ये वो एक पर्सनालिटी है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी जानता है, तो हम देखना पसंद भी करेंगे, हमें अच्छी भी लगेगी, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखें। बॉलीवुड में आमतौर पर इस तरह की बायोपिक बनाई जाती हैं उनके पुलिस ऑफिसर्स पे, हमारे यहाँ ये पहला तजुर्बा है, आपको लगता है कि जी इस तरह के तजुर्बे किए जाने चाहिए? जी बिल्कुल किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो मासेस है, हमारी या पब्लिक है, उसमें ये पर्सनालिटीज़ बहुत आम हैं, हम सब जानते हैं। अभी यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चौधरी असलम को ना जानता, तो ऐसी फिल्म बनाना ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज पीपल वुड वांट टू वॉच इट, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे अपने एक कंट्री के एक नाम के ऊपर फिल्म बन रही है। इट्स नॉट अ रैंडम फिल्म, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक इशू, इट्स अ पर्सन, तो बनानी ज़रूरी आई थी। लास्ट क्वेश्चन ये कि जी सैयद आतिफ अली की आप फिल्म पीछे तो देखो कर रही हैं, बल्कि कर चुकी हैं, अब वो फिल्म ईद के बाद रिलीज़ पे जा रही है, क्या उम्मीदें हैं आपको उस फिल्म के हवाले से, आपको कैसा लगा उस फिल्म में काम करके? जी जस्ट लाइक दिस फिल्म दैट फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये भी टॉपिक ऐसा है जो आज तक नहीं बना, और वो फिल्म के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि कोई जिस जॉनर के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं इक्वली एक्साइटेड हूँ। उसमें मैं उस फिल्म की मैं लीड कास्ट में हूँ, और एक बहुत पुराने एरा में जाके मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत पुराने एरा का है, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग दोनों फिल्म देखें। पीछे तो देखो कि अभी तक रिलीज़ डेट नहीं आई है, लेकिन चौधरी की आ गई है 27 मई, तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ देखें। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस चौधरी असलम, सबसे पहले ये बताएं कि बॉलीवुड में तो हमने देखा है कि कहाँ पुलिस ऑफिसर्स या फौजियों के ऊपर रियल स्टोरीज पर फिल्म बनाई जाती है, हमारे यहाँ ये पुलिस ऑफिसर के हवाले से ये पहली फिल्म है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? तो आप सोच नहीं सकते कि हमें ऐसा लगा कि लाइव प्रोडक्शन में हमें चौधरी जिंदा कर दिया जज्बात के हवाले से, पर बात ये जरूर है कि चौधरी असल में किरदार 20 साल ऑपरेशन करते करते 94 से, तो बात बहुत बड़ा है जितना हो सका उन्होंने उस किरदार को,
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हीरा उमर और इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविज़न पे काम किया है। हम इनसे पूछते हैं चौधरी फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज आप मौजूद हैं चौधरी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे, आपको कैसा लग रहा है कि जी आपको क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से पाकिस्तान में पहली फिल्म पुलिस ऑफिसर पे बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। अगेन डिफरेंट देखने को मिलेगा हम सबको, क्योंकि पुलिस ऑफिसर से पहले कभी इस तरह से फिल्म बनाई नहीं गई। सो अगेन किसी डिफरेंट चीज़ पे काम किया गया है, आई एम रियली एक्साइटेड कि ट्रेलर अच्छा होगा और फिल्म भी अच्छी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का और टेलीविज़न इंडस्ट्री का बड़ा नाम अदनान शाह टीपू। हम इनसे फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से, आपने भी ट्रेलर देखा इंशाल्लाह ताला। जितनी हमने मेहनत की, हमें उम्मीद है कि चौधरी आपके दिलों पर राज करेगी इंशाल्लाह। बॉलीवुड में तो जो है वो इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं, बायोपिक बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ ये पहली फिल्म है। आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में हमारे नौजवान और हमारी जो भी जनरेशन है वो इसको अप्रिशिएट करेगी? मेरा ख्याल है मैं समंदर को कूजे में बंद करूँगा, हमें अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट देना चाहिए। जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं उन कौमों को कोई भी याद नहीं रखता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मोतीवाला, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, फिल्म और टेलीविज़न का बड़ा नाम है और इस वक्त ईद पे उनकी दो फिल्में आने वाली हैं और इस फिल्म का यानी चौधरी फिल्म का भी ही ये हिस्सा हैं। इनसे इस फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर ये बताएं कि अभी आपने ट्रेलर देखा और आपको ये बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताएं। ट्रेलर जाहिर बात है कि वो पूरी कास्ट को तो नहीं वो समझ सकता, लेकिन इसमें आपको 42 एक्टर्स मिलेंगे जो मुख्तलिफ करेक्टर्स कर रहे हैं और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। ये हमारे असली हीरोज़ पे बन रही है, जो आम पब्लिक के लिए रोडों पे नेगेटिव होते हैं उनको हीरो बनाया गया और वो हीरो हैं हमारे असल, जो चौधरी असलम साहब हैं। तो मैं पहली बार इसमें एक नेगेटिव पॉलिटिशियन का करेक्टर कर रहा हूँ और आपको बहुत पसंद आएगा और उसमें वो कहीं ना कहीं चौधरी साहब की स्टोरी से लिंक्ड है। तो और जिया वाइफ बनिए और बड़ा अच्छा करेक्टर है, आपको पसंद आएगा। आमतौर पे पाकिस्तान में अब तक ख़ास तौर पे कराची में जो फिल्में बन रही हैं वो बड़ी सॉफ्ट सी कॉमेडी फिल्में होती हैं और उस तरह की वो फिल्म नहीं होती, एक्शन फिल्म नहीं होती। ये एक एक्शन फिल्म भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म ख़ास तौर पे कराची के जो लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म? मेरा ख्याल है कराची वो जो हीरो थे वो पूरे पाकिस्तान के हीरो थे और जो ओवरसीज़ है वो भी इनको हीरो मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कराची में रह जो भी रह के गया है वो चौधरी असलम को ज़रूर जानता है। तो फिल्म पाकिस्तान की पहली बायोपिक है और एक्शन फिल्म भी, क्योंकि अभी दौर चल रहा है, आपने जैसे कि कहा कॉमेडी फिल्म का दौर चल रहा है, उसमें एक्शन फिल्म लेके आना नेहा राज का एक बड़ा कदम है, उसने बड़ी मेहनत की है और बीच में कोविड भी आया, बीच में और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुए, ऐसा वक्त भी आया कि हमें लग रहा था फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन उसने इस फिल्म को कंप्लीट किया और अब लगने जा रही है और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह सुपरहिट होगी। और इस तरह की पाकिस्तान में मज़ीद फिल्में बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, हमारे जो अनसीन हीरोज़ हैं उन पर फिल्म बननी चाहिए। नेहा का ये पहला कदम था, इस तरह और प्रोड्यूसर भी आने चाहिए। ये भी मेरा ख्याल है नेहा ने भी दो फिल्म और अनाउंस की हैं, तो इस तरह होना चाहिए, इस तरह जो अनसीन हीरोज़ हैं उन पर फिल्म बननी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिया अली, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया और इस वक्त अल्लाह का बड़ा नाम है, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया और कामयाब फिल्में हैं। इस वक्त ये फिल्म चौधरी में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया, तो इनसे इस पूछते हैं इस फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह करम। मुझे ये बताएं कि जी चौधरी फिल्म का अभी आपने ट्रेलर देखा है, तो आपको वो ट्रेलर कैसा लगा? देखिए आवाम ने ये बताना है अच्छा बुरा लगना। मैंने काम किया है एक नए प्रोडक्शन हाउस के साथ, लेकिन कॉज बहुत बड़ा है, सो मैं समझती हूँ कि एज एन एक्टर मेरी ज़िम्मेदारी है कि हर उस फिल्म में काम करना जिसमें पाकिस्तान की कहीं ना कहीं बका है, पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज पूरी दुनिया में नज़र आए। छोटा रोल है मेरा, लेकिन
अच्छा। बॉलीवुड में हमने देखा है कि इस तरह की फिल्में बना करती हैं, पाकिस्तान में ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है, मज़ीद इस तरह की फिल्में पुलिस ऑफिसर्स पे बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए जी, हर इदारे में बहुत बहुत बड़े कारनामे होते हैं पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। आर्मी पे बनती हैं फिल्में, अब ये पुलिस पे बनी और स्पेशली चौधरी असलम पे बनी जिन्होंने सिंध पुलिस का बहुत नाम किया है, कराची जैसे मुश्किल शहर में उन्होंने बहुत बहुत काम किया है। सो जब मैंने सुनी ये कहानी नेहा से एंड आई वाज क्वाइट मिशूज़ थे मेरे अपने होते हैं हर एक्टर के, लेकिन फिर दिल ने कहा कि ये ज़रूरी है, इनको हमारी ज़रूरत है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, आपकी एक फ़िल्म दीवाने तेरे प्यार के ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसके बाद आप थोड़ा सा दूर चली गई, अब शायकीन फिल्म्स आपको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आज की फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए बहुत सूटेबल है, तो आप क्या कहती हैं कि जी मज़ीद आप फिल्मों में काम करेंगी? मुश्किल सवाल है लेकिन करूँगी, कोशिश करती हूँ, बहुत सारी फिल्में आती हैं लेकिन मैं इनकार कर देती हूँ somehow, I don't know, मैं हमेशा से कम काम करने पे बिलीव करती हूँ। लेकिन अभी अपने एक छोटा सा ब्रांड लेके आ रही हूँ मैं, लोगों की हेल्थ केयर के लिए हर्बल ब्रांड है, तो मैं समझती हूँ कि उस पर मैं इतना ज़्यादा सोशली एक्टिव रहूँगी तो शायद लोगों को मेरी फिल्म कम आने की कमी महसूस ना हो उसके बाद। सो काम करना होता है जी, मैं समझती हूँ कि चाहे फिल्म के ज़रिए एक पॉजिटिव मैसेज दो, ड्रामों के ज़रिए दो, या कोई एक और अच्छा काम सोसाइटी के लिए करो, सो दैट्स माय जॉब। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेक्रेटरी सिंध सेंसर बोर्ड आदिल अहमद साहब, हम उनसे इस फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम सर। आदिल साहब, चौधरी फिल्म का टीज़र या ट्रेलर अभी आपने देखा, आप क्या समझते हैं इस फिल्म में वो कमर्शियल मसाले तमाम मौजूद हैं कि जो पब्लिक आए इस फिल्म को देखने? जी मेरी नज़र में तो फिल्म में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक कमर्शियल मूवी में होनी चाहिए, अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, कास्ट बड़ी अच्छी है और इसके अलावा सॉन्ग्स भी बड़े मुझे अच्छे लगे इसके, तो मेरे ख्याल में सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक अच्छी कमर्शियल मूवी है, एक फैमिली को दिखाने के लिए मूवी होनी चाहिए। सर, काफ़ी अरसे से जब से कोरोना था उसके बाद से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जबूहाली का शिकार थी, अब आपको क्या लगता है एज ए आप सेक्रेटरी हैं सेंसर बोर्ड के, आपको क्या लगता है कि अब कुछ रौनकें पैदा होने वाली हैं, पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव होने वाला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोविड के बाद जो हमने देखा है कि काफ़ी पाकिस्तानी मूवीज़ आ रही हैं और काफ़ी जो इनलाइन मूवीज़ पेंडिंग सी में पड़ी थी वो भी वापस आ रही हैं और लोगों ने हमसे रबते किए हैं। इस साल आप ईद पे देख रहे हैं कि 3-4 बहुत बड़ी मूवीज़ आ रही हैं, घबराना नहीं है, तो ऐसे पर्दे में रहने दो या और भी जो मूवीज़ हैं तो ऐसी जो मूवीज़ आती जाती रहेंगी तो इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री भी ज़्यादा ग्रो करेगी और इससे मज़ीद मौके मिलेंगे और मूवी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविज़न की एक सीनियर अदाकारा कमल नज़र मौजूद हैं, इनसे हम इस फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, अभी आपने ट्रेलर देखा, आप इस फिल्म का हिस्सा भी हैं, एक तो आपको ट्रेलर कैसा लगा और फिल्म में आपका जो किरदार है उसके बारे में तो खैर नहीं बताएंगे, लेकिन कैसी फिल्म है, आपने काम किया है इसमें लोगों के साथ? अच्छा, ट्रेलर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ेदार लगा है, इसकी दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक एक्शन बहुत अच्छा है और एक म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड इस फिल्म का हिस्सा हैं, तो अच्छा। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ, तो ओवरऑल मुझे जितने भी लोग इसमें हैं सारे दोस्त ही हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं सबको बहुत ही बेस्ट विशेज देना चाहूँगी, गुड लक कहना चाहूँगी। असल में आप इस फिल्म में अक्सर नज़र आई ना इसकी शूटिंग्स पे और जगह पे, तो ऐसा लगा कि आप इस फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन चलें आपके हस्बैंड हैं, ये बताएं कि जी पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये किसी पुलिस ऑफिसर पे ये फिल्म बनाई गई है, तो इस तरह के ये सिलसिले जारी रहने चाहिए? बिल्कुल रहने चाहिए, क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में इस तरह की फिल्म्स बनती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं, और बिल्कुल हमारे मुल्क के जो हीरोज़ हैं उनका लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को आइडिया नहीं होता कि ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है, ये एक्चुअली रियल लाइफ हीरोज़ हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शदीद बहरानी कैफियत में गुज़िश्ता 10-12 सालों में गुजरी है, आप कुछ उम्मीदें दोबारा से कोरोना के बाद पैदा हुई हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होने जा रहा है? होपफुली बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने को हैं, हो रही हैं, और कुछ उनमें अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, हर तरह की फिल्म होती हैं, लेकिन इसी तरह चलते 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 चल ही जाएगा काम इंशाल्लाह ताला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रिजवी, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बड़ा नाम समझे जाते हैं और ये इस फिल्म का भी हिस्सा हैं, यानी चौधरी फिल्म का, हम इनसे पूछते हैं इस फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि अभी आपने ट्रेलर देखा,
इस फिल्म का, आपको ट्रेलर कैसा लगा? देखिए, ट्रेलर बहुत अच्छा है और सबसे मज़े की बात यह है कि फ्रेम्स आपने देखे होंगे, एक थोड़ा फिल्मी ट्रेलर देखने को मिला है हमें बहुत अरसे के बाद, और जिस तरह के फिल्म ट्रेलर से भी पता चल रही है कि एक्शन फिल्म है, प्रॉपरली एक्शन फिल्म है और एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये पूरी स्टोरी इसकी बेस करती है, तो उस हिसाब से ट्रेलर जो है बड़ा ही मज़ेदार ट्रेलर है और आई होप के लोगों को भी अच्छा लगे। कराची के बहुत सारे डायरेक्टर्स ने गुज़िश्ता 10-12 सालों में फिल्में बनाई लेकिन फिल्मी अंदाज़ उसमें कम होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक कमर्शियल अंदाज़ की फिल्म भी साबित होगी? देखिए, होनी चाहिए है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को लेके नहीं बनी हुई, ये फिल्म असलम चौधरी साहब की लाइफ के ऊपर बनी हुई है, तो उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं, उनकी फैमिली भी दिखाई है, उनकी जवानी भी दिखाई है, तो इसमें वो वाला पोर्शन भी लाजमी होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर जावेद अहमद काकेपोटो, हम उनसे इस फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, अभी चौधरी फिल्म का आपने ट्रेलर देखा, आपको क्या लगा है कि इस फिल्म में वो कुछ मौजूद है जो एक कमर्शियल इंडस्ट्री में या कमर्शियल फिल्म में होना चाहिए? जी बिल्कुल, ट्रेलर जो हमने देखा, ट्रेलर में बहुत मज़ा आया क्योंकि ट्रेलर में बहुत सा वो मैसेज समझ में आ गया जो एक रियल ट्रू स्टोरी हमारे चौधरी की हिस्ट्री पे बनाई गई है उसमें दिखाया गया है, और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि ये फिल्म पाकिस्तान में कामयाब जाएगी, ऐसे टॉपिक कामयाब होने चाहिए और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने चाहिए जो रियल स्टोरीज़ हैं जो हमारे पास बनना बंद हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँगा लाज प्रोडक्शन ने ये बहुत अच्छा स्टेप किया कि चौधरी फिल्म चौधरी पे जो है वो अपनी फिल्म बनाई है और इंशाल्लाह ये काम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम इमरान सोनू, हम उनसे इस फिल्म के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, अभी आपने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर कैसा लगा इस फिल्म का, चौधरी फिल्म का? बहुत अच्छा लगा, और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो बातें करते थे ये ऐसा है ऐसा ऐसा है, मगर माशाल्लाह 4 साल से मेहनत कर रही है नया लाज प्रोडक्शंस भी और जितने भी एक्टर सब ने बड़ा सपोर्ट किया है और बहुत बहुत अच्छा है बना ट्रेलर। ये बताइए कि जी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो क्योंकि इंडियन फिल्में भी देखती है और जो अंग्रेज़ी फिल्में भी, क्या लगता है कि जी हमें किन किन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा कि आज की नौजवान नस्ल हमारी फिल्में देखे? देखिए, आजकल मेरे ख्याल से एक्शन एंड कॉमेडी और सबसे अच्छी बात प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू, क्योंकि इंडियंस को आप देख लें उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी होती है और कॉमेडी एक्शन भी बहुत अच्छा होता है। Everything is not enough. Really hard.